गांव सुलखेड़ा में पंचायत जमीन पर अवैध कब्जा हटाने को लेकर चला पीला पंजा, कई मकान गिराए। सुलखेड़ा में पंचायती जमीन पर अवैध कब्जा हटाने को लेकर बुधवार को प्रशासन द्वारा कब्जा हटाओ कार्रवाई की गई। ड्यूटी मजिस्ट्रेट जगबीर सिंह के नेतृत्व में पहुंची टीम में भारी पुलिस बल तैनात रहा। वहीं पंचायत विभाग के अधिकारी व सरपंच की मौजूदगी में कब्जा हटाने को लेकर कई मकानों पर पीला पंजा चला। पंचायत की जोड़ की जमीन से कब्जा हटाने की कार्रवाई की गई। इस संबंध में चल रही शिकायत के चलते यह कार्रवाई हुई है। हालांकि अभी भी पूरी तरह से ये कब्जे नहीं हटे हैं, लेकिन जिन लोगों के मकान या दीवार पंचायती जोड़ की जमीन पर आ रही थी, उनके एक साइड का हिस्सा गिरा दिया गया। वहीं टीम ने कब्जाधारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे अपना पूरा मलबा यहां से हटा लें। इस पूर्व पंचायत जोड़ की जमीन पर अवैध कब्जे हटाने को लेकर टीम बार बार वापिस लौट रही थी। इससे पहले करीब टीम 6 बार वापिस जा चुकी थी, लेकिन बुधवार को आखिरकार टीम ने नियमानुसार कार्रवाई अमल में ला, कई मकानों को गिरा यह अवैध कब्जा हटाने का कार्रवाई की। इस दौरान यहां अनेक लोग मौजूद रहे। भट्टू कलां में 3 स्थानों पर साइबर जागरूकता राहगीरी कार्यक्रम हुआ आयोजित। पुलिस द्वारा बुधवार को भट्टू कलां में 3 स्थानों पर साइबर जागरूकता राहगीरी कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जो कि राजकीय मॉडल संस्कृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भट्टू कलां व राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भट्टू मंडी में जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्कूल स्टाफ सहित सैकड़ों बच्चों ने भाग लिया। कार्यक्रम में साइबर थाना से SI सतीश कुमार, HDFC बैंक अधिकारी संदीप व देवेंद्र सिंह ने युवाओं को साइबर अपराधों से बचाव को लेकर विशेष जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान SI सतीश कुमार ने कहा कि आमजन को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक करने हेतु पुलिस द्वारा समय समय पर अभियान चलाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि आज इंटरनेट की दुनिया में हर व्यक्ति कंप्यूटर व मोबाइल से जुड़ा है। हर किसी की नौकरी या पढ़ाई मोबाइल व कंप्यूटर तकनीक संस्थान से जुड़ी हुई है। आज के इस इंटरनेट की दुनिया में कुछ लोग ऑनलाइन साइबर क्राइम को अंजाम देते आ रहे हैं, जिससे हमें सावधान व अलर्ट रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमें मोबाइल फोन, कंप्यूटर, टैब इत्यादि जो डिवाइस इंटरनेट पर कार्य करते हैं, उनको समय समय पर अपडेट रहना चाहिए और अपने फोन से अनावश्यक ऐप डाउनलोड करने से बचें। फतेहाबाद पुलिस द्वारा साइबर अपराधों से बचने हेतु बार बार जागरूकता अभियान इसीलिए चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमें इस बात का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि कोई हमसे ठगी न कर ले, और अगर किसी के साथ ऑनलाइन इस तरह से ठगी हो जाती है तो वह तुरंत पुलिस को सूचना दें। भट्टू कलां से दिल्ली के लिए रवाना हुआ किसान सभा का जत्था। दिल्ली के रामलीला मैदान में बुधवार को आयोजित रोष प्रदर्शन को समर्थन देने के लिए सुबह भट्टू कलां से किसानों का बड़ा जत्था रेलवे स्टेशन से रवाना हुआ। किसान सभा जिला प्रधान कामरेड विष्णुदत्त शर्मा ने जत्थे की अगुवाई करते हुए बुधवार को सभी सदस्यों को अग्रवाल धर्मशाला के पास एकत्रित किया, जहाँ से केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ नाराबाजी करते हुए रेलवे स्टेशन तक पहुंचे। रेलवे स्टेशन से दिल्ली की को जाने वाली ट्रेन से दिल्ली के लिए वे रवाना हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार किसानों से लगातार वादा खिलाफी करते आ रही है। देश में लंबे समय तक चले किसान आंदोलन के दौरान जो सरकार ने वादे कर किसानों को जो आश्वासन दिया गया, उन वादों को सरकार ने पूरा नहीं किया, जिसके चलते वे अब दिल्ली में आयोजित रोष प्रदर्शन में भाग लेंगे। वहां जो भी निर्णय लिया जाएगा उसको पूरा समर्थन देंगे। इस अवसर पर अनेक सदस्य मौजूद रहे। भट्टू कलां में सरसों खरीद को लेकर मुख्यमंत्री के उड़न दस्ते ने रेड कर जांच शुरू की। भट्टू कलां में सरसों खरीद को लेकर मुख्यमंत्री के उड़न दस्ते ने वेयर हाउस, गोदाम व कपास मंडी भट्टू कलां सरसों खरीद केंद्र में बुधवार को रेड कर जांच शुरू की। मिली जानकारी अनुसार मुख्यमंत्री के उड़न दस्ता इंसार को सूचना मिली कि कपास मंडी भट्टू कलां से हैफड़ खरीद एजेंसी द्वारा सरसों की खरीद के दौरान बिना सफाई किए एवं 8% से ज्यादा नमी वाली सरसों खरीद करके कट्टों में भरकर भंडार हेतु वेयर हाउस के गोदाम में भेजकर अनियमितताएं एवं धांधली की जा रही है।
इस सूचना पर बुधवार को चेकिंग अधिकारी नायब तहसीलदार बलराम जाखड़ सहित उड़न दस्ते में शामिल एसआई चंद्रभान, एसआई कुलदीप, सहायक सचिव मार्केट कमेटी भट्टू कलां, महावीर सिंह की संयुक्त टीम गठित करके गुप्तचर विभाग फतेहाबाद व भट्टू कलां उप इकाई के कर्मचारियों की मौजूदगी में हैफेड द्वारा खरीद की गई सरसों के औचक निरीक्षण हेतु भट्टू कलां के वेयर हाउस हरियाणा राज्य भंडारण निगम के गोदाम में औचक निरीक्षण किया गया, जहां हरियाणा राज्य भंडारण निगम के राकेश कुमार मैनेजर वेयर हाउस, कुलदीप मैनेजर हैफड परचेज तथा निखिलेश नेफड प्रतिनिधि को मौका पर बुलाकर उनकी मौजूदगी में वेयर हाउस के गोदाम नंबर 1 के स्टैक नंबर 14 में रखे कुल 411 कट्टों सरसों से एक मिक्स सरसों की नमी को हैफड वेयर हाउस और नेफड की नमी मापक मशीन से चेक किया गया। हरियाणा वेयर हाउस में रखी सरसों की नमी संतोषजनक पाई गई और कट्टों का वजन और रख रखाव भी संतोषजनक पाया गया। इसके बाद संयुक्त टीम द्वारा कपास मंडी भट्टू कलां के सरसों खरीद के अंदर पर निरीक्षण किया गया, जहां एक ट्रक में रखे 402 बैग व भट्टू मंडी में रखे 802 सरसों बैग के नमी चेक के दौरान संतोषजनक नहीं पाया गया और 8% से अधिक नमी पाए जाने पर इस संबंध में टीम ने जांच के आदेश दिए, जिस बारे टीम द्वारा अलग से रिपोर्ट बनाकर उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी।